हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक। और इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ टाइपिंग टेस्ट रिव्यू को, और फाइनली डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनल कट ऑफ को। ये बेस्ट एनालिसिस होगी फ्रेंड्स। एज ऑलवेज जैसे हमने प्रीवियस सभी एग्ज़ाम के लिए रिव्यू किया, फाइनली वो सही भी उतरे। और रिस्पेक्टेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स, जितने भी मैं कट ऑफ अभी तक फाइनली डिस्कस किया हूँ, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मेरे कट ऑफ एनालिसिस होते हैं। और इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद एक से दो नंबर या तीन नंबर मैक्सिमम जाते ही जाते हैं, ज़्यादा ही जाते हैं। तो ये एनालिसिस होगी बेस्ट एनालिसिस। साथ ही साथ ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि अभी ये आरओ की अपडेटेड नोटिफिकेशन भी आने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, और उनकी भी वैकेंसी किसी इसी तरीके से तेज़ी प्रक्रिया के थ्रू किया जाएगा। और उसमें भी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है कुछ इसी तरीके से होने वाला है फ्रेंड। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैंने बहुत सारे पीडीएफ के फॉर्म में मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए थे, और ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि जितने भी आपको टाइपिंग टेस्ट दिए जाएंगे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की किसी एक डिसीजन को लेके किया जाएगा। और इनफैक्ट वो चीज़ आया भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी बताया था कि जो डाटा एंट्री अपडेट्स उसमें किए जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, और प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इस बार पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने मेंस दिया है, टाइपिंग टेस्ट दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का दो तीन दिन पहले से ही मेल वगैरह आ रहा था कि सर पैराग्राफ काफ़ी छूट गया है और थोड़ा सा हार्ड इस बार हुआ है। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पूरे वो में, पूरे वीडियो में। और फाइनली इस लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा ही हमें बताया गया और भेजा गया था, और उन्होंने भेजा कि सर सबसे पहले आपको बता दें, ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, जो आप कह सकते हो कि केरल राज्य बनाम जो कुछ डिसीजन शायद एक था, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग पे पूरा वो किया गया था, डिसीजन दिया गया था सुप्रीम के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पे। और वही सेम डिसीजन निकाल के आपको वो के फॉर्म में दे दिया गया था, और आपको सेम वही चीज़ आपको क्या करना था, टाइप करना था। मेन प्रॉब्लम आपको स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि बैक स्पेस आपको एबिलिटी मिली थी, मतलब इनेबल था, आप कर सकते थे। कंट्रोल का यूज़ बहुत कम कर रहा है, शायद नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स। और बीच बीच में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई प्रपोज टू डिवाइड माई जजमेंट इंटू, मतलब हर एक लाइन में दो से तीन वर्ड्स आपको कैपिटल के फॉर्म में कर रहे थे, किए जा रहे थे कंटिन्यू, जैसे पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे कुछ करके आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में। और हाइफन का यूज मैक्सिमम मिला आपका, सेमी कॉलन्स वगैरह का मैक्सिमम यूज मिला। तो ऐसे सारे चीज़ इसमें आपको कंटिन्यू मिले हैं, जैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर ही दिया ही रखा है केशवानंद भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला एंड 24 अप्रैल 1973 का यह डिसीजन है, और इसी के बेस पे पूरा चीज़ किया गया था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का कम से कम दो से तीन पैराग्राफ, किसी का एक दो पैराग्राफ, और जिसकी स्पीड 40+ 45 40 या 50 के आसपास में रही थी, जिन्होंने बहुत पहले से स्टार्टिंग की थी, उन्हीं का शायद कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज़ किसी का भी बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसा भी आपके वहाँ पे प्रॉब्लम हुई हो, जो भी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनली ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ को डिस्कस करने पहले एक नोटिस आप सभी के लिए, एक तरीके से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी त्रिपलशी लोअर और मंडी परिषद की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। और अगर इसका लाभ लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले अगर न्यू व्यूअर्स हो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फ्रेंड, डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश द हिंदू, और डेली बेसिस पे जो आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिया जाता है करंट अफेयर्स, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम अगर कभी होती है तो आपको डेली बेसिस पे वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए फाइनली डिस्कस कर लेते हैं, और जो न्यू व्यूअर्स की कृपया जरूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं बता दे रहा हूँ, पहले तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो फ्रेंड वेट फॉर द रिज़ल्ट, बहुत ही जल्दी वो रिज़ल्ट आ भी जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी रिज़ल्ट है, हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी और जो भी रिज़ल्ट आता है, फाइनली यूपी पुलिस वगैरह सब कुछ का अभी तक वीडियो पड़ा है, और आप वहाँ से आप चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हो। आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से एनालिसिस कर लोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को लास्ट में दो से तीन वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको वो पिक्चर के फॉर्म में दी जाएगी, किसी पे भी आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 200 से 208 के बीच में। इसके पीछे जो आपका एनालिसिस है वो ये है फ्रेंड्स, 160 के ऊपर तो जनरल की कट ऑफ गई। अब आप कहोगे सर एक आग नंबर कम भी गया था, तो वो आप सपोज कर लो, बट 160 से नीचे जिनका अगर मार्क्स भी है तो वो सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने 45 प्लस
उनको मार्क्स मिलते हैं टाइपिंग में, तभी जाके उनका सिलेक्शन होगा। और आई थिंक इतनी भी आसान नहीं थी टाइपिंग कि उनको 45 मार्क्स मिले, और जिनको मिलेगा डेफिनेटली गॉड सेलेक्ट अगर इतना जिनका आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ओबीसी की जो होगी 200 से 205 के बीच में, ये फाइनल कट ऑफ है, बहुत ही जल्दी आने वाला है क्योंकि आपकी 21 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी है ये जो टाइपिंग टेस्ट थी। एससी कैटेगरी की 192 से 195 के बीच में रहेगी। एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो 185 प्लस रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। गर्ल्स के लिए फ्रेंड्स मैंने कट ऑफ इसलिए नहीं बताया क्योंकि 5 to 7 मार्क्स लेस देन ऑल कैटेगरी में होता है, क्योंकि हाईकोर्ट की सभी वैकेंसी उनको 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। फ्रेंड्स कोई भी आपको क्वेरी हो कमेंट बॉक्स टाइप करके जरूर बताइएगा, आपका पेपर, आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे हुई और प्रीलिम्स में मार्क्स आपके कैसे थे, कितने थे, वो जरूर टाइप करके बता दीजिएगा। फॉर मोर एनालिसिस, फॉर मोर क्वेरी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।